घर में मौजूद सामग्री की मदद से आज मैं आपको एक काढ़ा बनाना बताऊंगी, जिसकी मदद से अगर आपके शरीर में नसें कमजोर हो गई हैं, नसों में दर्द रहता है और ये नसें कमर में दर्द पैदा करती हैं और ये दर्द खींचते हुए पैर की उंगली तक नसें खींचती हैं, कभी कभी घुटने के पीछे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आज ये समस्या के लिए मैं आपको बहुत ही असरदार घरेलू उपाय बता रही हूँ। बहुत ही आसान है ये उपाय और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। लगातार 15 दिन अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको ये नसों की जो कमजोरी है, नसें सख्त हो गई हैं, वापस से उसमें जो रक्त का प्रवाह है वो वापस से होने लग जाएगा और ये समस्या आपके शरीर से दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हमारी नसें होती हैं, जो हमारे पूरे शरीर में रक्त जो होती है खून उनको संचारित करती हैं, जिसे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और कई बार कुछ कारणों की वजह से ये नसें कमजोर पड़ जाती हैं और जिसकी वजह से ये हमें कई तरह की समस्याएं दे देती हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो इसे निजात पाने के लिए बहुत ही असरदार आज घरेलू उपाय आपको मैं बता रही हूँ। तो इसके पहले चलिए हम कुछ बातें और जान लेते हैं, जैसे कि शरीर का कोई भी हिस्सा, जैसे पीठ, कमर, हाथ, गर्दन या फिर जननांग आदि की नस अगर दब जाती है तो भी ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तकलीफदायक होता है। इसकी वजह से हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और नसें हमारे शरीर में मौजूद भिन्न भिन्न अंगों से गुजरती हैं। जैसे कि कोई भी अंग से अगर गुजर रही हैं तो वहाँ की जो है वहाँ पे उस अंग में बहुत ज़्यादा असर होता है और वहाँ भी समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो यह समस्या आपके लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। जैसे कि अगर आपके जननांग के नस कमज़ोर हो गए हैं तो ये समस्याएं बहुत आम हो गई हैं, तो इसको भी वापस से ठीक किया जा सकता है आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी। दोस्तों, ध्यान रहे कि कुछ बातों का, जैसे कि नसों में होने वाले दर्द का इलाज करने की जो जानकारी आपको पूरी तरह से होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नसें बहुत ही डेलिकेट होती हैं और गलती से भी अगर आप कोई भी गलत कुछ अगर चलना फिरना कर लिए तो आपको परेशानी हो सकती है। जैसे कि यदि आपके शरीर के किसी भी अंग के नसें कमज़ोर हो गई हैं तो उसको अपने घर बैठे ही इलाज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए। दबी हुई नस को जितना हो सके दबाना या मोड़ना टालें। दूसरा, यदि अगर सूजन हो गया है तो सूजन को कम करने के लिए आप बर्फ़ और गर्म चीज़ों के बारी बारी मसाज करें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। आराम पाने के लिए ज़्यादा दबाव ना डालें, हल्की मालिशें करें। जितना हो सके सफ़ेद या ब्राउन पट्टी की मदद से नस को एक जगह पर स्थिर रखें। आज जो होम रेमेडी बता रही हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगेगा। तो आइए जान लेते हैं नसों के कमज़ोर होने के क्या लक्षण हैं। यदि आपके शरीर में नसें कमज़ोर हो गई हैं तो इससे शरीर में होने वाले इफेक्ट की पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको याददाश्त घटने लग गया है, अगर आपको बार बार सिर में दर्द रहता है, चक्कर आता है, तो भी नसें कमज़ोर होने के लक्षण हैं। इससे क्या होता है कि जो रक्त के संचारित है यानी ब्लड सर्कुलेशन, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और इसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। जब हमारे शरीर में अपच हो जाता है यानी खाना सही ढंग से नहीं पचता है तो भी ये समस्या उत्पन्न होती है। अनिद्रा की वजह से भी होती है, अगर रात को नींद नहीं आ रही है, लेट तक आप जगते हैं तो भी ये समस्या उत्पन्न होती है। या फिर अगर आपके हार्ट में कुछ समस्या है, हृदय में कुछ समस्या है तो भी ये दिखी जाती हैं। शरीर में खून की कमी हो जानी, इसकी वजह से भी नसें कमज़ोर होती हैं और ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका इलाज हम कैसे करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही असरदार घरेलू उपाय बना लेते हैं काढ़ा। तो इसके लिए आपको एक बर्तन ले लेना है, चाय वाले बर्तन ले लें और इसमें आपको 2 कप पानी डालना है। पानी अब अच्छे से उबलने लग जाए तो इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच, छोटे चम्मच से यानी 1 टीस्पून का आधा, 1/2 टीस्पून आपको डालना है अजवाइन। अजवाइन के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं अगर गैस, ब्लोटिंग, कब्ज की वजह से अगर आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं या नसों से जुड़ी परेशानी उत्पन्न हो रही है तो अजवाइन उसको ठीक करता है। अजवाइन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि दर्द निवारक होता है और सूजन को भी दूर करता है। तो अजवाइन आपके लिए बहुत अच्छा औषधि रहेगा और घर में बहुत आसानी से अजवाइन मिल जाती है। तो अजवाइन को पहले रगड़ के साफ कर लीजिए और इसे भी पानी में डाल दीजिए। दूसरी जो हम सामग्री लेंगे वो लेंगे दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी का 1/2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए और उसे कूट कर उसका पाउडर तैयार कर लीजिए। दालचीनी बहुत अच्छा होता है सूजन को दूर करने के लिए, दर्द निवारक होता है। किसी भी तरह के अगर दर्द हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दर्द से, तो ये दालचीनी का पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। कितनी पाउडर डालनी है तो आपको 3 ग्राम के बराबर आपको डालनी है, यानी 3 चुटकी सिर्फ आपको दालचीनी का पाउडर आपको डालना है। लकड़ी नहीं डालना है, इसका पाउडर बनाकर ही डालें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। पाउडर घर में ही बनाकर तैयार करें, कूट लें
उसके बाद जो हम इसमें सामग्री डालेंगे वो डालेंगे सौंठ। दोस्तों सौंठ जो होता है वो हम ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, अदरक को सुखाकर पाउडर बनाई जाती है और बहुत ही असरदार होती है। सौंठ के प्रयोग से आपको दर्द की जो समस्या है वो दूर होगी, शरीर में इन्फ्लेमेशन है वो दूर होगा और जो नसें ब्लॉक हो गई हैं वापस से खुलने लग जाएंगी, नसें में ताकत आएगा और साथ ही साथ इसके बहुत ही अन्य फायदे हैं। अदरक के फायदे तो हम सभी जानते हैं, सौंठ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, सौंठ का प्रयोग भी हमें करनी चाहिए। कितनी मात्रा में करना है सौंठ का प्रयोग? सौंठ का प्रयोग हमें लेना है 3 चुटकी, यानी इसको 3 पिंच के बराबर इसे भी हमें लेना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बहुत ही पावरफुल एक मैजिकल पाउडर जो हमारे घर में सबके घर में मौजूद होता है, वो होता है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर आप कोशिश करें कि हल्दी आप पूरी पूरी लेकर आएँ, सूखी हुई हल्दी, और घर में ही कूट कर उसका पाउडर बनाएं। और उसके बाद घर वाली हल्दी का प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें कोई मिलावट का भी टेंशन नहीं और आपके शरीर से ये सारे दर्द को खींच लेगा। हल्दी दर्द को खींचने के लिए रामबाण औषधि का काम करता है, पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है यानी साफ करता है। और हल्दी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक गुण, जो कि एक नेचुरल पेन किलर का भी काम करता है। तो हल्दी हम कितना डालेंगे? हल्दी इसमें 2 चुटकी के बराबर यानी 2 पिंच हमें डालना है। बस अब हमें इसे कैसे पकाना है तो हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और इसे एक ऐसे ढक्कन से ढकेंगे जिसमें छेद बना हो, जैसे इसमें हल्की सी भाप निकले। इसे बिना ढके बिल्कुल नहीं पकाइएगा क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि वोलेटाइल नेचर में होते हैं, और बिना ढके पकाने से इसकी सारी जो शक्ति है वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमें एक प्लेट से, आप अगर आपके पास ऐसे नहीं है ढक्कन तो आप एक प्लेट से इसे ढक दें और हल्का सा आप एक छेद बना रहने दें जिससे बहुत थोड़ा सा भाप निकल सके। और इसे लगातार आपको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 2 कप जो पानी हमने डाला था वो 1 कप के बराबर रह जाएगी। उसके बाद आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है 5 मिनट के बाद, और इसे आपको तुरंत नहीं लेना है, इसे हमें थोड़ी देर के लिए गुनगुना होने तक ठंडा करना है। तो आप 5 मिनट और इंतज़ार कर ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक कप में निकालेंगे। हमें इसे लेना कब है? इसे दिन में आप 2 बार ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है तो 3 बार भी आप इसे ले सकते हैं। 2 से 3 बार इसका सेवन करें, इससे आपकी नसों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप जो नर्व पेन आप परेशान हैं वो आपके धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। स्वस्थ रहें, खुश रहें, ख्याल रखें। शुक्रिया।